कोई सपोर्ट नहीं दिया है वैसे, सच बोले तो नहीं मैं मतलब मैं खुद बोलता हूं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ सुयश का सपोर्ट भी बताती हूँ मैं इसमें क्या है। तो अभी क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है ना, ये एक टीवी सेलिब्रिटी एप्लीकेशन है। अब एज अ यूज़र जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईफोन्स के लिए है। तो इसमें क्या है कि यूज़र जब एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसको सारे टीवी एक्टर्स जो इस पर लिस्टेड हैं उनकी फोटोग्राफ्स दिखते हैं। आप जिस भी एक्टर को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, आप उनके फ़ैन हैं, आप उनकी फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करिए। अंदर एक पूरा बिडिंग सिस्टम है जिसमें आप बिड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है और आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं बिड करिए। जब स्लॉट ख़त्म होगा, एक दिन में 4 स्लॉट्स हैं, जैसे ही एक स्लॉट ख़त्म होता है, जो भी जीतता है उसको एक मौका मिलता है उस एक्टर का पर्सनल वीडियो जीतने का, और उस वीडियो में वो एक्टर वो बोलेगा जो आप उनसे चाहते हैं। तो दिस ये ऐप है। और जहाँ तक बात आती है सुयश की सपोर्ट की, आई थिंक सपोर्ट सबसे बड़ा ये है कि पहले तो मेरा थॉट ही सुयश से आया, क्योंकि अगर मैं मेरे घर में एक टीवी स्टार नहीं होता तो शायद मैं एप्लीकेशन कभी नहीं बनाती। जब सपोर्ट की बात आती है, थॉट पर्सपेक्टिव में पूरा सपोर्ट सुयश और किश्वर का है। और जितना आज ये ऐप है और जितने स्टार्स हैं इस पर, सिर्फ और सिर्फ किश्वर की वजह से। मैं फंडा बताता हूँ क्या मेरा लाइफ मेरे से ना, आई थिंक मेहनत मैं शूटिंग पे कर सकता हूँ, मुझे पता है, एज एन एक्टर मैं करूँगा, मैं म्यूजिक में करूँगा, क्रिकेट में करूँगा, जो मेरा फोर्टे है ना मैं वहाँ म्यूजिक करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। इफ़ यू टेल मी, तो मैं ये करने वाला फिर सर जो मुझे आज तक किया ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो मैं वापस जीरो से शुरू करूँ, उस पर मेहनत करूँ, वहाँ पहुँचूँ। जब तुम लोग को आता तो तुम लोग करो ना यार। हमने एक दिन इसको बहुत सच में एकदम जेन्युइनली मैंने और तहसीन ने पूछा, सुरेश तुमने इस ऐप में क्या किया? कहता मैं किश्वर को लेकर आया। ठीक है ना यार, मतलब अगर मैं ना होता तो किश्वर ना होते। प्लीज कहाँ से आती किश्वर, प्लीज। सो मैं ना होता तो किश्वर ना होती, किश्वर ना होती तो वो 120-118 एक्टर ना होते, दो मैं। फ्रेंकली मेरे को ना ये जिंदगी में जो भी करती है ना, मुझे लगता है तो पागल वागल है क्या, मतलब यू कुछ तो, मतलब इसको ऐसा लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ही करने लग जाती हूँ कुछ। हाँ मतलब यार, तो पहली बार जब मेरे से पूछा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा लगेगा, मैंने कहा थॉट पूछा है ना तो हाँ ठीक है ना, गुड एज अ थॉट। हम लोग सोच रहे बनाए ऐसा कुछ। अच्छा सुन, सर उतना कर जितना बोला नहीं चाहिए, जितनी औकात है। सो इज लाइक अब तो मैं बनाऊंगी, एंड ये बात है 6 महीने पहले की जब ये थॉट आया था, और आज 6 महीने के बाद हम उसी ऐप की लॉन्च पे बैठे हैं। थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर देता हूँ। और हमने सोचा था उस टाइम कि अगर स्टार्टिंग में 25 एक्टर भी होंगे ना, हम इस ऐप को लॉन्च कर देंगे। आज हमारे पास 120 एक्टर हैं, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे, रोज नए एक्टर्स आ रहे। सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर अ चेंज। As far as I remember, I think Gaurav Gera, he mentioned Sailesh, whose place this is where we are sitting, and Karan Grover, Karan Mehra, Karanveer Bora, Surbhi Jyoti, but actually kiska bolu aur kiska naam, because film chalu hoenge to list khatam hi nahi hoti. As a user na bada acha lagta hai ki bas aise, you know, swipe kari jao aur next cheez ho rahi hai, but usko banane ne jitni mehnat ki na, बट लकीली अभी वो घर में है तो उसने देखा कि हमने कितनी मेहनत करी है। और मतलब आपने एक स्क्रॉल किया, उसके पीछे कितने हजार लाइन के कोड गए, वो कभी समझ नहीं आया। तो मुझे समझ आने लगे। सो यस, आई रिस्पेक्ट योर काइंड ऑफ वर्क, व्हाट यू गाइस डू। पिछले 3 साल से ना म्यूजिक का पैशन बहुत रहा है, मैं पागल हूँ म्यूजिक के पीछे। सो द रीजन आई साइन बदतमीज दिल वॉज म्यूजिक, बिकॉज एवरीबडी नोज नाउ, हम लोग को किशोर और मुझे उस टाइम नचबली ऑफर हुआ था, और मैंने नचबलियों को मुझे पता है कैसे मना किया, बिकॉज वी रियली वांटेड टू नचबली सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स, एंड फाइनली जब हमें ऑफर आया तो मुझे मना करना पड़ा, बिकॉज मुझे बदतमीज दिल करना था। बदतमीज दिल आई थिंक टिल नाउ, आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट फॉर मी, गॉड्स गिफ्ट, इट्स द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ एवर टिल नाउ। जब मैं बॉम्बे आया था पहले, मेरे को 5 चीज़ें मांगी थी मैंने। एक ऐसा शो जो अच्छे चैनल पर हो, प्राइम टाइम हो, म्यूजिक पे बेस्ड हो, अगर मैं रॉक स्टार प्ले कर रहा हूँ नथिंग लाइक इट, और अगर मैं अपने गाने खुद गा रहा हूँ उससे बेटर नहीं हो सकता, और वो सेट मेरे घर के पास होना चाहिए। यस, आई कांट थैंक गॉड इनफ फॉर गिविंग मी बदतमीज दिल। एकता, सॉरी यू बीन सच अ डियर फ्रेंड, देयर वाज नथिंग पर्सनल कि मुझे था, बस मुझे अभी भी करना है, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा, फिर से करूँगा, अगर यू नो दिस वर्क्स आउट, एंड और कोई रीज़न नहीं था, मैं अभी भी सच में करूँगा। आई थिंक ये मेरे से 8 साल छोटा है, कितने लोगों को ऐसा बताओ, उसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है ये सुन के। लड़ना झगड़ना मुझे लगता है
जितनी हमने मार पिटाई करी होगी और जितनी हमने WWF के स्टंट्स करे होंगे। भाई बहन में सबसे ज्यादा क्या लड़ाई हुई थी ना, चोटी खींच ली, थप्पड़ मार के भाग गए, दैट्स इट राइट। आई एम टेलिंग यू WWE की से लिखा था ना, डोंट ट्राई दिस एट होम। इसने मुझे बेड पे जमीन पे सारे स्टंट्स मारे हैं, छोटा था ना मेरे से बहुत, जंपिंग एंड हिटिंग और एल्बो ऑन माय फेस, मतलब लिटरली। एंड आई थिंक दैट पार्ट एंड देन कमिंग बैक टू द पार्ट कि जैसे फ्रेंड्स अपनी एक छोटी से छोटी, आज की डेट में कैसे होता है, एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड होती है, जिससे अपनी एक एक बात शेयर करती है। मुझे लगता है मैंने ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं जो सुरेश को नहीं पता और उसकी कोई बात जो मुझे ना पता हो। बहुत सारे रिलेशन भगवान बना के भेजता है, बट एक ऐसा रिलेशन जो आप खुद बनाते हो इस दुनिया में आके, आई थिंक वो है फ्रेंड्स का, फ्रेंडशिप आप करते हैं। ऑल आई वुड लाइक टू से टू यू नो ऑल माई फैंस दैट चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एंड बिकॉज एट टाइम्स सीरियसली व्हाट हैपेंस, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन गो रॉन्ग इन लाइफ, बट चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एंड दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। वैल्यू देम एंड हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप डे, यू नो व्हिच इज कमिंग नाउ, एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल।